हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर कह सकते हो कि पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ेंगे कि पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है। पेट्रोल इंजन को हम स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं और इसे हम गैसोलीन इंजन भी कहते हैं। तो आज इसकी वर्किंग देखेंगे कि पेट्रोल इंजन काम कैसे करता है, और ये हम स्टडी करेंगे फोर स्ट्रोक के बेसिस पर। टू स्ट्रोक भी हो सकता है, हम फिलहाल फोर स्ट्रोक के बेसिस पर स्टडी कर रहे हैं। ये स्पार्क इग्निशन इंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्पार्क प्लग यूज किए जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम स्पार्क इग्निशन इंजन पड़ा। तो इसमें चार स्ट्रोक से इसलिए इसको फोर स्ट्रोक कहा जाता है। अब आगे डिटेल में पढ़ते हैं इसे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इंजन की स्टार्टिंग की, क्योंकि वहीं से आपके कई कन्फ्यूजन्स होते हैं, कई बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो वो इसी में होती है। पहले इसी को क्लियर करते हैं कि क्या चीज़ है, इंजन स्टार्ट कैसे होता है। जैसे मान लो आप एग्जाम्पल लो कार की, कोई आपके पास कार है, आप उसका स्टार्ट करते हो, आप इग्निशन स्टार्ट करते हो, उसमें चाबी लगाते हो आप, तो उससे क्या होता है, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कार में बैटरी लगी होती है, और बैटरी होती है और एक मोटर होती है, डीसी मोटर। वैसे अगर आप बाइक की बात करोगे तो बाइक में सेल्फ स्टार्ट होता है, आप किक मारते हो। अगर आप किक मारते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप ये जो यहाँ पर ये लगा हुआ है फ्लाई व्हील, इसे घुमा रहे हो। और अगर कार की बात करें तो कार में इग्निशन, जैसे आप चाबी लगाते हो तो उससे क्या होता है, बैटरी स्टार्ट करते हो। बैटरी स्टार्ट करने से क्या होता है, बैटरी से डीसी मोटर चलती है, और वो डीसी मोटर, जैसे आप देख रहे हो ये फ्लाई व्हील है, इसके ऊपर एक कुछ स्पाइन से बने हुए, कट से बने हुए हैं, गियर की तरह बनाया है इसे, जिससे क्या होता है मोटर का स्पिंडल जुड़ा होता है, और वो मोटर के आगे जो शाफ्ट, मोटर की शाफ्ट घूमती है, वो अपने साथ साथ इस फ्लाई व्हील को भी घुमाती है। तो मेन काम स्टार्टिंग में हमारा ये होता है कि फ्लाई व्हील घूम जाए। अब उसे होता क्या है, अब ये फ्लाई व्हील घूमेगा तो फ्लाई व्हील के साथ साथ एक क्रैंक शाफ्ट जुड़ी हुई है। क्रैंक शाफ्ट, अगर फ्लाई व्हील रोटेशन करेगा तो उसके साथ साथ ये क्रैंक शाफ्ट है, ये भी रोटेशन करेगी, क्योंकि दोनों साथ में कपल्ड हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये फिर से आते हैं यहाँ पर, ये रहा हमारे पास फ्लाई व्हील। अब ये फ्लाई व्हील अगर स्टार्टिंग में घूम जाए किसी तरह से, तो फ्लाई व्हील के साथ में क्रैंक शाफ्ट है, ये भी घूमेगी। अब क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है क्रैंक पिन की हेल्प से, और कनेक्टिंग रॉड के ऊपर पिस्टन है ये। अब ये सारे पार्ट्स के बारे में आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि इनका फंक्शन क्या होता है, इसमें भी बताऊंगा, लेकिन आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आप वो लास्ट की वीडियो देख लो, उसका लिंक या फिर उसको मैं एंड में, एंड स्क्रीन में उस वीडियो को मैं ऐड कर दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं इसको आगे। अब स्टार्टिंग में क्या, जैसे ये अपने चलो आगे डिस्कस करते हैं इसके बाद। अब जैसे ये रहा, इसको थोड़ा और डीप में देख लेते हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में, अब सबसे नीचे हमने बात की इसके क्रैंक शाफ्ट की, सबसे नीचे क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। अब क्रैंक शाफ्ट के आगे फ्लाई व्हील लगा हुआ है, फिर फ्लाई व्हील के आगे क्लचेस की अरेंजमेंट होती है, क्लचेस के बाद गियर बॉक्स, फिर वो पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम आ जाता है। गियर बॉक्स के आगे प्रोपेलर शाफ्ट लगी होती है, फिर वो एक्सल से, एक्सल की हेल्प से हमारा व्हील घूमता है या टायर घूमता है, तो वो चीज़ अलग है, हम फिलहाल इंजन की बात करेंगे। तो मेन चीज़ आप समझ लो कि अगर फ्लाई व्हील घूमेगा तो फ्लाई व्हील की हेल्प से बाकी चीज़ें घूमेंगी और हमारे व्हील्स घूमेंगे। तो मेन चीज़ अभी तक ये समझो कि फ्लाई व्हील घुमाना हमने। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम फ्लाई व्हील को खुद घुमा रहे हैं, किसकी हेल्प से, मोटर की हेल्प से। तो ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है, जैसे अभी आपने देखा क्रैंक शाफ्ट के साथ क्रैंक पिन की हेल्प से कनेक्टिंग रॉड जुड़ी हुई है, और कनेक्टिंग रॉड के साथ हमारा पिस्टन लगा हुआ है। अब ये जो है, ये जो इंजन आप देख रहे हो, ये फोर सिलेंडर इंजन है, यानी कि इसमें चार सिलेंडर हैं और एक सिलेंडर में एक पिस्टन होता है। तो ये हो गया एक पिस्टन, तो ये हो गया चारों पिस्टन आगे, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीन ये, चार, मतलब इसमें चार सिलेंडर होंगे, ये चार सिलेंडर वाला ये इंजन है हमारे पास। अब उसके ऊपर क्या है, एक इनलेट वॉल्व है और एक एग्जॉस्ट वॉल्व है। इसके बारे में बता दिया था, इनलेट वॉल्व जहाँ से जो फ्यूल एंटर करेगा, और एग्जॉस्ट वॉल्व जहाँ से कम्बशन गैसेस बाहर जाएंगी। और ये इसके ऊपर कैम शाफ्ट लगी हुई है, दो कैम से, एक इनटेक कैम, एक एग्जॉस्ट कैम। इनटेक कैम क्या करेगी, ये जो इनलेट वॉल्व है इसको ओपन या क्लोज करने में हेल्प करेगी, और एग्जॉस्ट कैम जो है वो एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन या क्लोज करने में हेल्प करेगी। और बीच में स्पार्क प्लग लगा हुआ है, जिसका काम है इग्निशन का भी स्टडी करेंगे। अब ये कैम शाफ्ट किसकी हेल्प से घूमती है, ये क्रैंक शाफ्ट में ये टाइमिंग चेन लगी होती है, टाइमिंग चेन लगी होती है जो इसको और इसे कनेक्ट करती है आपस में। जो क्रैंक शाफ्ट घूमता है उसके साथ एक कैम शाफ्ट भी घूमती है। बाकी सेंसर होता है, सेंसर की हेल्प से ये इनटेक वॉल्व को टाइमिंग पर ओपन या क्लोज करती है। तो ये था बेसिक बेसिक ओवरव्यू इंजन का। अब हम स्टडी करते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब इसमें चार स्ट्रोक से, हमने फोर स्ट्रोक पहले कह दिया, फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन। पहले चार स्ट्रोक के नाम देख लेते हैं। पहला स्ट्रोक आता है सक्शन और इनटेक स्ट्रोक, सेकेंड है कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड है एक्सपेंशन जिसे पावर या वर्किंग स्ट्रोक भी कहते हैं, और फोर्थ है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब सबसे पहले बात करते हैं हम सक्शन या फिर इनटेक स्ट्रोक की, जो कि सबसे पहला स्ट्रोक है। अब ये चार चीज़ों ही, जो ये जो चार प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये चारों एक ही सिलेंडर में हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी अलग अलग सिलेंडर में हो रहे हैं, एक ही सिलेंडर है, उसी में ये सक्शन भी हो रहा है, कंप्रेशन भी, एक्सपेंशन भी, और एग्जॉस्ट भी हो रहा है। तो ये सिंगल सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, ऐसा हर सिलेंडर में होगा।
तो अगर सिंगल सिलेंडर है तो उसके चार प्रोसेसेस आपको पहले एक्सप्लेन करते हैं कैसे होते हैं। सबसे पहले सेक्शन स्ट्रोक की बात कर रहा था, तो सेक्शन स्ट्रोक में कैसे होता है, क्या होता है। अब जब हमने बात की थी स्टार्टिंग में, हम फ्लाई व्हील को घुमा रहे थे, रोटेट कर रहे थे, फ्लाई व्हील की हेल्प से क्रैंकशाफ्ट घूम रही थी, और क्रैंकशाफ्ट यहाँ पर ये रही क्रैंकशाफ्ट। अब ये क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो इसके साथ कनेक्टिंग रॉड है, ये अगर क्रैंकशाफ्ट रोटेशनल मोशन करेगी तो ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा इसमें, तो ये ऊपर नीचे की तरफ जाएगा। तो इस क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग रॉड के ऊपर पिस्टन रिंच है, मतलब अगर कनेक्टिंग रॉड ऊपर नीचे जाएगी तो उसके साथ में पिस्टन भी ऊपर नीचे जाएगा। ये था बेसिक। तो अब स्टार्टिंग में हमने क्या किया, खुद अपने मोटर की हेल्प से हमने मोटर को घुमाया, मोटर के स्पिंडल की हेल्प से फ्लाई व्हील को घुमाया, फ्लाई व्हील में क्रैंकशाफ्ट को घुमाया, जिसके कारण स्टार्टिंग में क्या होता है, स्ट्रोक में जो पिस्टन होता है ये टॉप डेड सेंटर में होता है। अब हाँ, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर क्या, इसके बारे में बात करते हैं। पिस्टन मैक्सिमम ऊपर की पोजीशन टॉप में जहाँ तक जा पाएगा, जैसे अगर ये मान लो पिस्टन यहाँ तक जा सकता है तो हम इसे बोलेंगे टॉप डेड सेंटर, जिसे TDC से डिनोट करते हैं। और पिस्टन नीचे मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है सिलेंडर में, उसे हम बोलेंगे BDC। मान लो यहाँ तक आ सकता है तो हम बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर है, BDC है। कोई कंपोनेंट नहीं अलग से, ये एक ऐसे बताया गया कि टॉप डेड सेंटर पिस्टन यहाँ तक आ सकता है और बॉटम में यहाँ तक आ सकता है, उसे डिनोट किया TDC और BDC से। अब इस स्ट्रोक में स्टार्टिंग में क्या होता है, पिस्टन हमारा यहाँ पर TDC में होता है, मतलब पिस्टन हमारा स्टार्टिंग में ऊपर होता है टॉप डेड सेंटर की तरफ। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही हम क्रैंकशाफ्ट को घुमाते हैं, क्रैंकशाफ्ट इसमें घूमती है, तो उसके बाद क्या होता है, ये पिस्टन ऊपर की तरफ होता है तो क्रैंकशाफ्ट के घूमने के कारण पिस्टन नीचे की तरफ आता है। अब पिस्टन नीचे की तरफ आता है, उससे क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है और इनटेक वॉल्व, ये जो इनटेक वॉल्व है ये ओपन हो जाती है। इस केस में एग्जॉस्ट वॉल्व हमारी क्लोज रहती है, इनटेक वॉल्व ओपन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर होना स्टार्ट कर देता है। एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर होता है, वो कैसे होता है, अब जैसे आपने डॉक्टर को देखा होगा इंजेक्शन भरते समय, वो क्या करते हैं, एक एंड को पीछे की तरफ खींचते हैं, उससे क्या होता है, पीछे की तरफ खींचने से क्या होता है, बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण कोई भी लिक्विड वो उसमें इंजेक्शन के अंदर फिल हो जाता है। सेम केस यहाँ पर है, पहले पिस्टन जो था हमारे टॉप डेड सेंटर में था, उसे हमने नीचे की तरफ किया स्टार्टिंग में, पहली बार तो हमें खुद वर्क करना पड़ता है, उसे नीचे की तरफ किया हमने पिस्टन को, वैक्यूम क्रिएट हुआ, खाली जगह बच गई, यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज़्यादा था, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो एंटर हो गया सिलेंडर के अंदर आ गया, एयर फ्यूल का मिक्सचर। ये था इनटेक स्ट्रोक। ठीक है, इसमें चीज याद रखना कि क्या होता है, इनलेट वॉल्व ओपन और एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज्ड, ये था इनटेक सक्शन, जिसे इनटेक स्ट्रोक भी कहते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये स्ट्रोक खत्म हो गया, उसके बाद सेकेंड स्ट्रोक स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। अब कंप्रेशन से समझ सकते हो, कंप्रेस्ड हो रहा है। अब यहाँ पे इस केस में पता है, पिस्टन स्टार्टिंग में हमारा बॉटम डेड सेंटर में होता है, स्टार्टिंग में पिस्टन इस पोजिशन पर होता है, इस जो ये जो स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों बंद रहते हैं, ताकि फ्यूल जो बाहर न जा सके ना ये एंटर अंदर आ सके। तो यहाँ पर क्या होता है, पिस्टन ये क्रैंकशाफ्ट फिर से घूम रही होती है, और क्रैंकशाफ्ट फिर से घूमती है, जिसके कारण पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, पहले पिस्टन नीचे की तरफ आया था, अब ऊपर की तरफ जाता है, और ये जो गैसेज जो एयर फ्यूल मिक्सचर आया था यहाँ पे एंटर हुआ था, इसे कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसको कंप्रेस करता है, दोनों वॉल्व क्लोज रहती हैं। अब एक चीज़ और ये है कि हाँ, कंप्रेस करने से टेम्परेचर और उसका प्रेशर बढ़ गया, अब इतना टेम्परेचर भी नहीं बढ़ पाता, जो यहाँ पर अगर पेट्रोल की बात करें, इस मिक्सचर की बात करें, तो जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन तकरीबन पेट्रोल का 160 या 170 या 180 के अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास रहता है टेम्परेचर। बट जो पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर है वो एक्चुअली में 420 या कुछ के करीब करीब होता है। तो वन अगर आप मैक्सिमम 200 तक भी पहुंचा रहे हो यहाँ पे मिक्सचर को कंप्रेस करके, तो उससे इग्निशन तो होने नहीं लगी, क्योंकि इग्निशन के लिए टेम्परेचर कम से कम 400-420 डिग्री चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से स्पार्क इग्निशन यूज़ करते हैं, इसलिए स्पार्क की हेल्प से इग्निशन के लिए हम स्पार्क का यूज़ करते हैं, वो हम थर्ड स्ट्रोक में बात करते हैं, पावर स्ट्रोक पर। अब ये तो हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक, हो गया इनटेक स्ट्रोक हो गया। अब थर्ड आता है एक्सपेंशन स्ट्रोक, जिसे पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, वर्किंग स्ट्रोक भी कहते हैं। एक्सपेंशन स्ट्रोक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है, मतलब पिस्टन एक्सपेंड कर रहा है, और पावर स्ट्रोक इसलिए यहीं पे पावर मिल रही है, और वर्किंग स्ट्रोक इसलिए यहाँ पे हमें वर्क मिल रहा है, सबसे मेन स्ट्रोक यही है, यहीं से हमें वर्क मिलता है। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पे भी इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों क्लोज रहती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक जैसे ही एंडिंग में हो रहा था, कंप्रेशन स्ट्रोक में जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा था, उसी वक्त इग्निशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि स्पार्क प्लग से उसी टाइम इग्निशन इग्निशन होती है, जैसे बैटरी की हेल्प से यहाँ पे चिंगारी निकलती है, जिससे कंबशन होना स्टार्ट हो जाता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में ही कंबशन होना स्टार्ट हो जाता है, और क्या होता है कि जैसे ही वो स्ट्रोक खत्म होता है तो ये नीचे की तरफ आ रहा होता है,
क्रैंकशाफ्ट की हेल्प से पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो उस टाइम अचानक से कम्बशन हो जाता है क्योंकि स्पार्क प्लग ने इग्निशन कर दी होती है, और फ्यूल और उसका मिक्सचर जो है उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, और एक चिंगारी भी मिल गई होती है उसे, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पर कम्बशन होता है, जैसे ब्लास्ट होता है एक तरह से कह सकते हो, जिसकी हेल्प से क्या होता है उस ब्लास्ट की हेल्प से ये पिस्टन जो है ऑटोमेटिकली अपने आप नीचे की तरफ आता है। अब वो नीचे की तरफ आता है, उसकी फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो क्रैंकशाफ्ट को खुद अब घुमाना स्टार्ट कर देता है। अब वो क्रैंकशाफ्ट को इतनी तेज़ी से घुमाता है कि इनर्शिया के कारण वो एनर्जी जो है फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाती है। जैसे कि आप फ्लाई व्हील, जैसे मतलब ये मान लो टायर है, आपने देखा होगा इसको, आप एक बार थोड़ा सा घुमा दो खुद से, स्टार्टिंग में स्टिक से आप थोड़ा सा इसको आगे की तरफ घुमा दो तो ये कुछ देर तक अपने आप चलेगा बिना कोई एनर्जी लिए। वो क्यों हो गया था? क्योंकि इनर्शिया के कारण आपने थोड़ा सा इसको फोर्स दिया, इसने इनर्शिया स्टोर किया और कुछ देर तक ये टायर अपने आप मूव करता है। तो सेम यहीं पर, यहाँ पर भी होता है कि जब आपने यहाँ पर पावर स्ट्रोक था, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर पिस्टन नीचे की तरफ घुमा, इतनी तेजी से घूमता है कि क्रैंकशाफ्ट बहुत तेजी से घूमना स्टार्ट कर देती है, और इसके कारण फ्लाई व्हील भी घूमता है। अब वो फ्लाई व्हील वो एनर्जी स्टोर कर लेता है और खुद ब खुद घूमना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हम मोटर की जरूरत नहीं पड़ती, मोटर जो है वो वहाँ से अलग हो जाती है और फ्लाई व्हील इसकी एनर्जी से घूमना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद ये स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद पिस्टन फिर नीचे की तरफ आ गया और फिर बॉटम डेड सेंटर में होता है, और फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक की स्टार्टिंग में पिस्टन बॉटम डेड सेंटर में होता है, और ये क्या करता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस कंबशन के बाद जो गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं उन्हें बाहर की तरफ ले जाता है। तो इसमें क्या होता है, इनलेट वॉल्व एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इनलेट वॉल्व क्लोज हो जाती है और एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो जाती है। ये जो पिस्टन है ये सारी जो गैसेज हैं उन्हें बाहर की तरफ ले जाता है, यानी कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है, सारी गैसेज को बाहर फेंक देता है। तो ये था एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब उसके बाद ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है, लेकिन इस पर डिफरेंस ये आ जाता है कि फिर मोटर की हेल्प से इसे घुमाना नहीं पड़ता क्रैंकशाफ्ट को। अब क्रैंकशाफ्ट जो घूम रही है वो उसने जो इनर्शिया इनर्शिया के कारण जो एनर्जी उसने स्टोर कर ली थी उसके कारण ही अब ये इनटेक स्ट्रोक में और कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन को घुमाता है या कनेक्टिंग रॉड को ऊपर नीचे करता है। तो अब वो मोटर साइड हो जाती है और वो बैटरी को चार्ज भी करना स्टार्ट कर देता है। तो ये थे चार प्रोसेस के बारे में कि चार प्रोसेस कैसे होते हैं इसमें, इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें और भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जिनके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे बाद में फ्लाई व्हील की बात करेंगे, गवर्निंग वगैरह होता है, बैलेंसिंग वगैरह के लिए, वो सब बाद की वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आज का मेन मोटो था कि चार स्ट्रोक के बारे में पढ़ना कि कैसे ये काम करते हैं। अब आगे देख लेते हैं एक बार फायरिंग ऑर्डर की, फायरिंग ऑर्डर क्या चीज़ है। अब फायरिंग ऑर्डर एक सीक्वेंस, आपने फायरिंग ऑर्डर सुना होगा शायद, तो फायरिंग ऑर्डर एक सीक्वेंस है पावर की, किस तरह से किस सिलेंडर में कितनी पावर जो है डिलीवर होगी, मतलब किस टाइम पे किस सिलेंडर में फायरिंग होगी। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वर्किंग भी देख सकते हो इसके सिलेंडर की, ये देखो आप कोई भी एक सिलेंडर ले लो, आप कोई भी एक सिलेंडर पकड़ लो, जैसे ये ला हमने फर्स्ट वाला सिलेंडर लिया, देखो ये इनटेक स्ट्रोक था सबसे पहले, ठीक है, इनटेक स्ट्रोक में क्या हुआ, मिक्सचर एंटर हुआ, फिर कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, फिर ए देखो चार स्ट्रोक थे ना, सबसे पहले क्या हुआ कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर ने एंटर किया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ ने कंप्रेस करता है, फिर इग्निशन होता है, ब्लास्ट होता है, पिस्टन नीचे की तरफ आता है और फिर एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर ले जाता है। आप देख के समझ सकते हो यहाँ से कि ये इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व अपने आप ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, एक टाइम पर पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है जिसके कारण ये क्रैंकशाफ्ट को घुमा रहा है, क्रैंकशाफ्ट के कारण फ्लाई व्हील घूम रहा है। तो पावर स्ट्रोक में हमारा हमारा काम क्या था, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब फायरिंग ऑर्डर की बात करते हैं। अब ये जो चार प्रोसेस बताए थे आपको एक सिलेंडर के बताए थे, अब ये हर एक सिलेंडर में इतना ही होता है। अब ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ये चार सिलेंडर वाला है, यानी कि हर सिलेंडर में ये प्रोसेस हो रहा है, इनटेक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और पावर एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये चारों सिलेंडर में हो रहे हैं प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं फायरिंग ऑर्डर की क्या है। फायरिंग ऑर्डर मेनली फोर स्ट्रोक इंजन की बात करें, अगर फोर स्ट्रोक इंजन है या चार सिलेंडर वाला, तो उसमें फायरिंग ऑर्डर मोस्टली क्या रहता है, 1 3 4 2, 1 2 4 3, 1 3 2 4, 1 4 3 2। अब पहले डिस्कस कर लेते हैं 1 3 4 2 के बारे में क्या है। फायरिंग ऑर्डर अगर 1 3 4 2 के बारे में बात करें तो उसमें ये चीज़ है कि सबसे पहले फायरिंग कौन से सिलेंडर में होगी, फर्स्ट सिलेंडर में होगी, और जब फर्स्ट सिलेंडर में फायरिंग हो रही होगी तो उस वक्त जो बाकी के सेकंड और फोर्थ सिलेंडर हैं उनमें बाकी दूसरा कोई स्ट्रोक हो रहा होगा। जैसे इसमें मान लो पावर स्ट्रोक मिल रहा है हमें फर्स्ट से, तो उसके बाद अगर फर्स्ट में पावर स्ट्रोक मिल रहा है तो थर्ड सिलेंडर में उस वक्त कंप्रेशन हो रही होगी। तो जब तक फर्स्ट का पावर स्ट्रोक खत्म होगा उसके बाद क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट का पावर स्ट्रोक खत्म होगा थर्ड से हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा, मतलब थर्ड में इग्निशन कंबशन एक्सपेंशन होगा तो थर्ड से हमें वर्क मिलेगा। जैसे थर्ड में पावर स्ट्रोक खत्म होगा
हमें सेकंड से पावर स्ट्रोक मिलेगा, जैसे सेकंड में सॉरी फर्स्ट में पहले पावर मिलेगी हमें, फिर थर्ड इंजन से पावर, थर्ड सिलेंडर से पावर मिलेगी, जैसे थर्ड सिलेंडर से पावर मिलना खत्म होगी फिर फोर्थ से स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद सेकंड सिलेंडर से हमें पावर मिलेगी। तो ये था 1, 3, 4, 2। ज़्यादातर जो फोर्थ सिलेंडर इंजन है उनमें ज़्यादातर ये फायरिंग अरेंजमेंट आपको मिलेगी, और 1, 2, 4, 3 भी मिलेगी कहीं कहीं पर, लेकिन उसमें बैलेंसिंग के प्रॉब्लम होते हैं इसलिए ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। 1, 3, 2, 4 यामा यूज़ करता है कहीं के अपने बाइक्स में, 1, 4, 3, 2 अरेंजमेंट भी है। तो इस एनिमेशन को देखकर आप शायद से समझ जाओगे कि क्या कहना चाहता हूँ मैं फायरिंग ऑर्डर के बारे में। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि क्रैंकशाफ्ट की रोटेशन, अब यहाँ पर क्या कि हर बार जब पिस्टन की एक मूवमेंट होती है, यानी कि वो एक्सपेंशन स्ट्रोक हो रहा है या कोई भी कंप्रेशन हो रहा है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है, एक मूवमेंट के टाइम पर पिस्टन के जो क्रैंक शाफ्ट है वो 180 डिग्री घूमती है। मतलब कि 180 डिग्री एक टाइम पे घूम रही है, चार प्रोसेसेस के लिए, मतलब कितना घूमेगी वो 720 डिग्री। मतलब कि क्रैंक शाफ्ट अपने फोर, ये जो चार प्रोसेसेस हैं इनको कंप्लीट करने के लिए 2 बार घूमेगी, कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 बार होगी, 2 स्ट्रोक के लिए 1 बार और नेक्स्ट 2 स्ट्रोक के लिए 1 बार, टोटल 2 बार क्रैंक शाफ्ट घूमेगी इन चार प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये था बेसिकली इंजन के बारे में कि ये कैसे काम करता है, क्या चीज़ फंक्शन थे इसमें। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें इस इंजन के बारे में जो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब ये किसने डिस्कवर किया था, निकोलस के ऑटो ने डिस्कवर किया था, जिसने ऑटो साइकिल के बारे में भी आपको मैंने बताया था, और वो इसी पर बेस्ड है। अगर आपने ऑटो साइकिल के बारे में आपको नहीं पता तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑटो साइकिल की वीडियो देख लो, उसको मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा इस वीडियो के एंड में, मैं उस वीडियो को भी अटैच कर दूंगा ऑटो साइकिल वाली वीडियो को, आप उस वीडियो पर क्लिक करना और ऑटो साइकिल के बारे में देख लेना, क्योंकि ऑटो साइकिल पर ये सब बेस्ड है, उसकी डेरिवेशन, उसकी एफिशिएंसी वगैरह सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है ऑटो साइकिल के बारे में। तो ऑटो साइकिल की वीडियो और ये वीडियो देखने के बाद आपको पेट्रोल इंजन की वर्किंग के बारे में सही से समझ आ जाएगा, उसके थ्योरेटिकल, उसका प्रैक्टिकल आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद फिर उस वीडियो के बाद हम डीजल इंजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम डिफरेंस वगैरह देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, तो अब बाकी की नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे आगे की क्या क्या पढ़ना है। अब जैसे डीजल इंजन के बारे में पढ़ेंगे वो सब आगे की वीडियोज में देखेंगे। तो अभी तक आपने मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।